दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पेंडुलम एडू पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स 29 जनवरी 2020। ये करंट अफेयर्स आपको UPPCS, UPPSC RO, UPPSC BO, SSC CGL, CHSL और अदर एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। आइए देख लेते हैं मुख्य शीर्षक। सबसे पहली न्यूज है, खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी कतर के नए प्रधानमंत्री होंगे। सेकेंड न्यूज है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म्स के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में शुरू हुआ। नेक्स्ट है हमारी न्यूज, खान सुरक्षा पर 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारी न्यूज, असम झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता। नेक्स्ट न्यूज है, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर TAO ट्रॉफी के चैंपियन के रूप में उभरा। आगे देखते हैं, साइकिल चालक एसओ एल्बेन ने 6 दिवसीय बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट न्यूज है, अनिल खन्ना को एशियाई टेनिस महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन। नेक्स्ट न्यूज है, भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल का शुभारंभ। और नेक्स्ट है, 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं न्यूज विस्तार से। सबसे पहला न्यूज है, खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी कतर के नए प्रधानमंत्री होंगे। हाल ही में शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी का स्थान लेंगे। अब आइए जान लेते हैं कतर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। कतर एक अरब देश है, इसकी राजधानी दोहा है और इसकी मुद्रा कतरी रियाल है। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि कतर केवल सऊदी अरब के साथ ही लैंड बाउंड्री शेयर करता है, बाकी किसी के साथ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी माई न्यूज है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म्स के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इसमें पहला पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्री लघु कथा एनिमेशन फिल्म्स के लिए 16वें द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई के नेहरू सेंट्रल ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। यह दक्षिण एशिया में गैर फीचर फिल्मों के लिए सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और इसमें डॉक्टर एस कृष्णस्वामी को गैर फिक्शन फिल्म बनाने के लिए उनके योगदान के लिए वी शांताराम लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। यह महोत्सव 1990 से फिल्म डिवीजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आइए अब जान लेते हैं वी शांताराम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। भारत में वृत्तचित्र फिल्मों के भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए, नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आइए अगली न्यूज देखते हैं। खान सुरक्षा पर 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन में खदान मजदूर के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, इन चीज़ों की सिफारिश की गई है और इसे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने भी हिस्सा इसमें लिया है। आगे देखते हैं न्यूज़। असम झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमारा 71वां गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की गई थी। इस परेड में असम झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। असम ने अपनी अनूठी शिल्प कौशल और संस्कृति का प्रदर्शन किया है। इसी प्रदर्शनी में दूसरा स्थान ओडिशा को और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। ओडिशा को भगवान लिंगराज की रुकना रथ यात्रा के लिए और उत्तर प्रदेश को राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को चित्रित करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। मंत्रालय और विभागों के बीच यदि बात करें तो राष्ट्रीय आपदा राहत बल और जल शक्ति मिशन को उनकी झांकी के लिए सर्वश्रेष्ठ चुना गया है।
केंद्रीय लोक कार्य विभाग की झांकी को विशेष पुरस्कार दिया गया है, जिसमें उनकी झांकी का जो नाम था वो क्या था, कश्मीर से कन्याकुमारी। चलिए आगे न्यूज देखते हैं। फिफ्थ न्यूज है, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर TAO ट्रॉफी के चैंपियंस के रूप में उभरा। दो बार से चैंपियन रह चुका मिजोरम सिक्किम को हराकर इस बार नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर TAO ट्रॉफी के चैंपियन के रूप में उभरा है। यह कार्यक्रम मिजोरम के कोहिमा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। रितेशो मेरो को उनके द्वारा किए गए 10 गोल के लिए गोल्डन बूथ पुरस्कार दिया गया है। मिजोरम को यह पुरस्कार जीतने पर 10 लाख रुपए नगद मिला है और सिक्किम को 6 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश को हराकर नागालैंड को तीसरा पुरस्कार मिला है। समापन समारोह में नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो भी शामिल हुए। चलिए आइए आगे देखते हैं। छठी न्यूज है, साइकिल चालक एसओ एल्बेन ने छठे 6 दिवसीय बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। एसओ एल्बेन ने 6 दिवसीय बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुष किरण व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चेक गणराज्य के टॉमस बाबेक ने रजत पदक और मैक्सिमिलियन लेव ने कांस्य पदक जीता है। मैक्सिमिलियन लेव जर्मनी के रहने वाले हैं। यह टूर्नामेंट जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया था। 6 दिवसीय साइकिल टूर्नामेंट में प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिदिन स्पर्धा करनी होती है। चलिए आगे देखते हैं न्यूज। अगली हमारी न्यूज है, अनिल खन्ना को एशियाई टेनिस महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। अनिल खन्ना को एशियाई टेनिस महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने 2005-2019 तक ATF अध्यक्ष और 2015-2019 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। उन्होंने ATF वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। अब आइए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के बारे में कुछ। यह विश्व टेनिस, समुद्र तट टेनिस और व्हीलचेयर टेनिस का एक शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1913 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लोकेशन स्पेशली पूछी जाती है। चलिए आगे न्यूज देखते हैं। इसी में एशियाई टेनिस महासंघ के बारे में जान लेते हैं। एशियाई टेनिस महासंघ क्या है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ से संबद्ध है और इसका मुख्यालय चीन के हांगकांग में स्थित है। अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है, नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन। नई दिल्ली में 4 दिवसीय गणतंत्रता दिवस समारोह के अंत को चिन्हित करने के लिए विजय चौक में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया है। यह समारोह की शुरुआत 1950 के दशक में मेजर रॉबर्ट्स ने की थी, जिन्होंने समारोह को सामूहिक बैंड प्रदर्शित किए थे। उस समय उन्होंने सामूहिक बैंड के द्वारा मतलब बजाकर उसको इसका समापन किया था। ब्रीटिंग द रिट्रीट के बारे में जानते हैं क्या है। यह एक पुरानी परंपरा है जब सेना लड़ना बंद करके युद्ध के मैदान से हट जाती है और पीछे हटने की आवाज़ पर अपने शिविरों में चली जाती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे महाभारत के टाइम पे शंखनाद होता था तो सुबह सब लोग सेना युद्ध मैदान पर आ जाती थी और शाम को संध्या काल में जब वापस से शंखनाद करते थे तो वो लोग अपने शिविरों में चले जाते थे। तो जो वो शंखनाद है यानी कि किसी चीज़ के समापन या आगाज की शुरुआत, उसी चीज़ को हम यहाँ पे बीटिंग द रिट्रीट कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल का शुभारंभ। भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल को ग्राम पंचायतों के नेटवर्क अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्घाटन जो है वो बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय के अंतरिक्ष भवन के अंतर्गत किया जाएगा और इस पोर्टल के लिए इसरो द्वारा विकसित उपग्रह तकनीकी की भी मदद ली जाएगी। चलिए आगे न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज हमारी, 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय भारत के पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय धारणाएं हैं।
यह सम्मेलन 2007 से दक्षिण एशिया में आतंकवाद, आर्थिक सहयोग आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ डिस्कशन। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पेंडुलम एडू को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।